जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। जैसे कि बहुत ज़्यादा अपन की रिक्वेस्ट आ रही से, तो आज की वीडियो अपन के रिक्वेस्ट के ऊपर ही है। मैं एक ठन वीडियो में मोर कह रहे हूँ कि जिमि कांदा लाला मैं बिना उसने घलो रांधो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते। तो आप मन के फरमाइश रही इसकी दीदी ते कैसे बनाता बिना उसने जिमि कांदा ला, हम वाला बतावे। तो आज मैं सोचो कि चलो आप मन ला जो है बता देता हूँ। और मैं और भी मांगे रहे हूँ कि ये रेसिपी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा और जो है आप मन के ऐसे है और आप मन के हो कि रेसिपी देना चाहिए दीदी। तो मैं कहो चलो फिर आज आप मन बता ही देता हूँ। तो आज आप मन के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद में जिमि कांदा के साथ। जिमि कांदा ला हमारे छत्तीसगढ़ वासी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा चाव से खाते हो, प्यार से बनाते भी हैला संगवारी हो। पर सबके अपन अपन तरीका होते हैं। जिमि कांदा के बहुत सारा रेसिपी मैं अपन ही चैनल में डाले हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपन ला दे दूँ, चेक कर लो अमन। जैसे कि जिमि कांदा के खुला के रेसिपी हो गए, जिमि कांदा कच्चा वाले हो गए, कच्चा वाले नहीं जिमि कांदा उसने वाले हो गए, वो देख सकते हो अपन जाके। तो आज मैं अपन लेके आया हूँ कच्चा वाले जिमि कांदा की सब्जी, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के स्वाद में जिमि कांदा के साग ला। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करे पर झन बुला हूँ जो भी नया है चैनल में। अब आप मन के अधिक प्यार और दुलार पर दिल से धन्यवाद संगवारी हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करत हो आप मन हाँ, और आगे बढ़े मदद करत हो ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप मन छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाओ, छत्तीसगढ़ के स्वाद ला आगे बढ़ाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारे रेसिपी ला। तो चलो संगवारी हो, जिमि कांदा के सागला बनाए बर शुरू करते हैं। जिमि कांदा के सागला बनाए से पहले जिमि कांदा ला हमला काट लेना है और छिल लेना है। ये जगह जिमि कांदा खजवाते ज़्यादा हाथ ला, तो आप मन है झिल्ली या ग्लव्स के इस्तेमाल कर सकते हो या हाथ में तेल भी लगा सकते हो, एक से हल्का फुल्का खुजली कम हो जाए। तो सबसे पहले हमला जिमि कांदा ला छिल लेना है और पतला पतला टुकड़ा में काट लेना है। जैसे कि आलू के भुंजा बनाए बार अपन आलू ला पतला पतला काट दो ना, वैसे चापाला काटना है। बहुत ज़्यादा मोटा मत रखू, मोटा रखू ना तो तलाई में उतनी ही ज़्यादा टाइम ली ही, तो एक सती पतला ही अपन ला काटना है। काबर के लिए हमला उबालना नहीं, हमला कच्चा ही बनाना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कच्चा जिमि कांदा के साग आज मैं अपन ला बना के दिखाऊँ। अब वैसे तो मैं अपन घर में बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो सब जिमि कांदा कटा के संगवारी हुई अपन देख सकता हो, एला मैं धो लेता हूँ। और मसाला में मिले हूँ हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला और नमक ले हूँ, जीरा ले हूँ, तेजपत्ता ले हूँ, लाल खड़ा मिर्चा ले हूँ। गरम मसाला का इस्तेमाल अगर आप मन दही डाला तो मत करो, अगर नहीं डाला तो अपन गर्म मसाला का इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर है, प्याज है, लहसुन, अदरक है, धनिया पत्ती है और है मेथी। सबसे पहली कढ़ाई ला रख दे हो, तेल डाल दे हो, तेल गरम हो गए संगवारी हो, एमें मैं डाल दूँ धुले हुए जिमि कांदा। बहुत जन मल ऐसे लगते कि दीदी धोए नहीं है, तब बता देता हूँ काबर कि हर वीडियो में मतलब कई बार इसे भूल जैसा ना मन बता नहीं पान कि हर इंसान धो के ही इस्तेमाल करी यार। आप मन सोचते हो कि धोए नहीं है इसे कि धो के जिमी धुले हुए जिमि कांदा, देखकर सती में बोला था और कि बहुत जन के अभी लगातार इसने कमेंट आते, तो ये आपन देख सकते हो। एक जिमि कांदा ला बढ़िया से हमला तलना है, बढ़िया से मतलब 10 से 12 मिनट से 15 मिनट तक के आप ला धीमी आँच में तलना, एकदम ज़्यादा यह कुरकुरा हो जाइए और अच्छा से हमारा जिमि कांदा पक जाए ना, तो आप मैं समझो कि जिमि कांदा एकदम तैयार है सब्जी बनाए पर। सबसे पहले हमला ऐसे ही करना है, अच्छा से तलना है, काबर कि हम कच्चा वाले जिमि कांदा की सब्जी बनाते हैं तैला तलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अच्छा से नहीं तला ही तो आपको मूला जो है दिक्कत भी दे सकती है, खुजली भी हो सकती है, तेकर सकते बहुत अच्छा से तलना है जैसे कि मैं तले हों। तले के बाद अपना निकाल लेना है और वही तेल में अगर तेल आपके पास कम है तो आप मनो तेल डाल लो, उसमें डाल देना है जीरा, तेजपत्ता और एक ठन लाल सूखा मिर्चा। एक अलावा अगर आप मला फोरन में और कुछ पसंद है तो आप ओला भी डाल सकते हो, जैसे कि मीठा पत्ती, अजवाइन, मेथी, ये सब चीज़। और एक घर में डाल दूँ कच्चा वाली मेथी के पत्ता, अगर ये वाले मेथी के पत्ता आपका नहीं है तो सुखाए वाले मेथी के पत्ता भी के भी इस्तेमाल आप मना कर सकते हो। एक डाल दूँ अदरक और लहसुन कूटे हुए, एक से स्वाद अच्छा आते, अगर आप मल्ला नहीं पसंद है तो आप मलेला इसके भी कर सकते हो। और मैं दही के भी इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा से। अब एक घर में डाल दूँ दो टन प्याज किसे हुए, किस ले रहे हो संगवारी हूँ मैं यहाँ। और बहुत ही अच्छा से हमला चला देना है, आपन देखा तो, और प्याज ला बहुत अच्छा से तला देना है। अभी आप मन देख सकते हो, मैं आप मल्ला पास से दिखाता हूँ कैसे फ्राई करना है, आप मल्ला कैसे भूनना है कि हाथ में छूते ही ना एकदम बढ़िया से पिघल जाना चाहिए। इसने आप मल्ला जिमि कांदा ला तलना है। और प्याज तला गई, तो प्याज तलाए के बाद मैं इसमें डाल दे हूँ टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इला अच्छा से हमला चला लेना है, या मैं देख सकता हूँ तेल ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, जद का हमला चाहिए वत का है, काबर की जिमि कांदा तो इसने तेल तेल में फ्राई हो गए है। तो टमाटर बहुत अच्छा से चलाए के बाद हमला इमें डाल देना है नमक। नमक डालने से का हो पता है संगवारी हो, टमाटर और जल्दी से गल जाए, तो स्वाद के हिसाब से आप नमक डालना है, जद का भी कम ज़्यादा आप मना पसंद करता हो।
और एला चला देना है अच्छा से, और टमाटर ला थोड़ा से चम्मच के मदद से इसे दबा देना है, एकर से होते का टमाटर वो भी अच्छा से गल जाते। और एकर में डाल दूँ हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, एला डाल के हमला बढ़िया सेल खो लेना है और सब मसाला बढ़िया से उतल लेना है 1 से 2 मिनट। ये सब्जी बनने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगी पर स्वाद भी उतना ही, और आपके टाइम के बजाय जैसे कि आप मला उबालना है सुखाना ये झंझट से आप मना बच गया। अगर आप मला तुरंत खाए के मने अपन तुरंत भी बना सकते हो जिमी कांदा के सागला इसने तरीका से। और एक अरब में डाल दूँ जिमी की कांदा ला जल्द हम तल के निकाल ले रहे हैं तेला, और ओला डालने के बाद बहुत ही अच्छा से हमला चला देना है ताकि हमारे जो जिमी कांदा है तेमें सब मसाला अच्छा से लग जाए और एक अंदर में भी भीग जाए। एक बाद में एक कटोरी दही ले हूँ, दही डाले से खुजली थोड़ा कम हो जाती है, वैसे तो खुजलाए भी नहीं, अपन मसालेदार टमाटर के साथ भी बना सकता हूँ पर थोड़ा सा दही डालो ना स्वाद में फ़र्क बहुत अच्छा से आ जाते ते कर सकते। तो एक में दही डाले के बाद बढ़िया सेल चला ले हूँ, और एक बाद इमें मैं डाल दूँ थोड़ा सा पानी, जितका भी गाढ़ा आप मना रस रखना है उसके हिसाब से आप मने में पानी डाल सकते हो। और अगर आप मना टमाटर में ही बना था जैसे कि मैं हम भुने हों वैसने और दही नहीं डाला था तो आप मन गरम मसाला डाल सकते हो, एक में दही डाले हो तो मैं गरम मसाला नहीं डाला हूँ। तो देखो संगवारी ओला ढपकन दे था, मैं बहुत ज़्यादा फीका नहीं रखूँ गाढ़ा ही रखूँ, तो ऐला बढ़िया से ढपकन दे था तेकर बाद ऐला उतार लेबो। अब ये जो साग है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती, अब एक बार जरूर आप मना बना के देखो तभी आप मना पता चली कि कैसे लगते। अब एक हरा धनिया की पत्ती डाल के हेला चला देता हूँ संगवारी हो, और ये बस बनके हो गए तैयार। एक ढपकन ढपकन दो जैसे कि पानी डाले अंता, और सब्जी में अधिकतर जो गर्म पानी के ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा में सब्जी की स्वाद जो है निखर के नहीं आ पाए। तो ये देखो संगवारी हो बढ़िया से ढपका थे, हेला मैं यहाँ खाली कर लूँ एक ठन बाउल में। तो ये देखो एक कलर आप अपना देख सकता हो कतिक बढ़िया लगा थे, तो चलो मैं खाली करके आप मला दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद जिमी कांदा के साग अब बन के हो गए तैयार, और आप मला भी खाए के मन करत हो ना पक्का। तो ये देखो संगवारी हो हमारे आज के जिमी कांदा के साग अब बन के हो गए तैयार, बहुत ही बढ़िया बने ही अपन देख सकते हो पास से ही, और बिना उबाले जैसे कि आप मतलब मैं कह रहे हो बनाऊँ मैं आज के तो ऐसे ही मैं बनाता हूँ, और मसालेदार भी बनाता हूँ, दही नहीं डालो मैं, आप अपन की मर्जी अपन दही डालो या नहीं डालो या मसालेदार बनाओ जैसे भी आप मतलब बनाना है अपन बना सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका रही से कैसे लगे आप मतलब और आज की ये तरीका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। छत्तीसगढ़ के स्वाद में और नेक्स्ट वीडियो का आना चाहिए ला भी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारा आप मन की फरमाइश से धीरे धीरे करके पूरा करूँ संगवारी हो, जिसे भी मोर घर में सामान उपलब्ध हुई ओकर हिसाब से। तो चलो संगवारी हो आज की वीडियो होते ही कर खत्म, मिलता हूँ आप लोग एक जल्दी नया वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार जय छत्तीसगढ़।